इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। क्राइम ब्रांच ने एक अवैध हथियारों से भरी कार को पकड़ा है। आपको बता दें कि इस कार में अवैध हथियार बरामद हुए हैं, 40 देसी कट्टे और पिस्टल बरामद की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां पर अवैध हथियारों का जखीरा कार से बरामद हुआ है और ये बड़ी कार्रवाई क्राइम ब्रांच ने अंजाम दी है। हरियाणा पासिंग ये कार बताई जा रही है। हालांकि जो आरोपी जो बदमाश था वो फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है, लेकिन इस कार से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें से 40 देसी कट्टे हैं और पिस्टल बरामद की गई हैं। अवैध हथियारों का जखीरा इस कार से कहीं भेजा जा रहा था, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन इससे क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा है, इस कार को पकड़ लिया है और ये बड़ी कार्रवाई क्राइम ब्रांच की मानी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, दौर से अवैध हथियारों से भरी एक कार को जब्त कर लिया गया है। हरियाणा पासिंग की ये कार बताई जा रही है, जिसे पकड़ा गया है, इसमें अवैध हथियार भरे हुए थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अवैध हथियारों का जखीरा इस कार से बरामद हुआ है, जिसमें 40 देसी कट्टे और पिस्टल्स बरामद की गई हैं। ताजा जानकारी हम आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी ज्यादा तादाद में इन हथियारों को ले जाया जा रहा था इस कार के माध्यम से। जाहिर है कि इन लोगों के मंसूबे नापाक थे और किसी बड़ी वारदात को ये कहीं ना कहीं अंजाम देने की फिराक में थे, जिन्हें समय रहते दबोच लिया गया।